और बिल्कुल, और उसके बाद सर पूरे सिर्फ यही नहीं है, पूरी खैरातियों ने गंध मचाना शुरू किया। मैं देख रहा था जरा उस चीज को, फिर आप उसका विश्लेषण कर दें कि ये पूरा जो सोफेस्टिकेटर बनता है चिरकुटों का गैंग, इन सब ने हाँ गंध मचाया, इन सब ने गंध मचाया। जो आपने डाला है यदि मैं दिखा पाऊं उसे, हाँ हाँ यही यही है मनीष, यही है, इसके नीचे वाला, नीचे नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, इसके नीचे। ये हाँ ये 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पे पीएम मोदी का स्वागत वहां के उपराष्ट्रपति ने किया। भारतीय दूतावास ने उसी दिन इस सूचना जारी किया। संचार माध्यमों से फोटो वीडियो समेत यह खबर छपी, लेकिन मोदी का स्वागत नहीं किए जाने का अफवाह यहाँ के खैराती 24 अगस्त को हवा दे रहे थे। और मैं देख रहा था पूरा जेम्स राय के चेलों का गैंग ने यह कहा कि अफ्रीका में कोई स्वागत ही नहीं हुआ भारत का। और भारत के प्रधानमंत्री नीचे नहीं आ रहे थे क्योंकि अफ्रीका का कोई बड़ा नेता नहीं था, जबकि उपराष्ट्रपति खुद थे। जरा इन ड्रामेबाजों का एक बार सुन लीजिए आप। पहले पहले हर सुना जगह अगर दीजिए। हम राजनीति ले आएंगे, अभी अब दक्षिण अफ्रीका की बात आपने की, शुरू में आपकी रिपोर्ट में आया, वहां पर कुछ और भी हुआ है, एक खबर और भी आई थी, तो हम उसकी चर्चा करेंगे क्या? मैं नहीं चाहता उसकी चर्चा करना, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री का असम्मान हुआ है वहां, अगर वो खबर सही है तो मैं उससे बिल्कुल, मुझे दुख है उस बात का, उस घटना का, लेकिन वो हुआ है। तो ऐसा है कि अभी कोई भी जब गठबंधन बनता है तो उसमें हर जगह अगर हम राजनीति ले आए, सर ये मनी आदमी इतना सोफिस्टिकेटेड बनता है। नहीं, मनीष जी कह रहा कि अगर वो हुआ बाद में, कह रहा लेकिन वो हुआ है। और दर्शकों को बता दूं कि ये 24 अगस्त की शाम को रिपब्लिक टीवी पे बैठकर ये बयानबाजी कर रहा था। और मनीष जी जरा दोनों खबरें दिखा दीजिए कि 22 अगस्त को ये पूरा स्पष्ट हो चुका था, फोटो सहित पूरे देश में, दुनिया में समाचार था कि उपराष्ट्रपति ने स्वागत किया है। ये देखिए, ये ये देखिए उपराष्ट्रपति है, टॉप न्यूज ऑफ द डे, पीएम मोदी इन साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट। और इसमें खुद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी बीइंग रिसीव्ड बाय साउथ अफ्रीका डिप्टी प्रेसिडेंट पाउल मेसासले एट ऐसे एयरपोर्ट। कि हाँ, ये 22 अगस्त का ये फोटो है, खुद अफ्रीकी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। और याद होगा सर, हम लोगों ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें अफ्रीकी नृत्य, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ था, और यहां पर खैरातियों ने उसका मजाक उड़ाया था। इन लोगों को तो सर बर्फ की सिल्ली पर लिटा करके सोफेस्टिकेटेड जो ये पत्रकार बनता है अपने आप को, नहीं, इलाज मनीष जी बहुत जरूरी है। दूसरा भी दिखा दीजिए, दूतावास की बाकायदा विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, इसी के साथ ये दूसरी वाली जो है, इसी इसी में में है। अच्छा, एक इसी वहां इसी में खबर और लगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है शायद। ये यहाँ ये जोहानसबर्ग से उसी समय 22 तारीख की, सबकी 10 तारीख है पड़ी, सब में 22 तारीख की है ये, 22 तारीख की प्राइम उसमें मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अराइव जोहान्सबर्ग एट आफ्टरनून 22 अगस्त। अब ये पूरी तरह से रिपोर्ट है। द प्राइम मिनिस्टर वाज वार्मली वेलकम बाय एच ई मिस्टर पाउल सिफोकोसा, डिप्टी हाँ सिफो प्रेसिडेंट को, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एट द एयरपोर्ट। मतलब इस ये हमारे यहां का नहीं है, नीचे ये डेट भी वहां पड़ी की है मनीष मीडिया की जी, रिपोर्ट है। ये नीचे डेट भी पड़ी है। और 22 अगस्त जोहान्सबर्ग। ये 22 अगस्त को पूरा स्पष्ट हो चुका था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे खैरातियों ने अफवाह उड़ाई कि प्रधानमंत्री का सम्मान करने वहां कोई नहीं आया, स्वागत करने वहां कोई नहीं आया। और ये अफवाह तो खैरातियों ने उड़ाई, और ये जिस धूर्त को अभी आपने टेलीविजन पर दिखाया, ये 24 तारीख की शाम को बैठ के उस अफवाह को, उस प्रधानमंत्री के असम्मान को, प्रधानमंत्री के अपमान की अफवाह को ये बैठ के नेशनल टीवी पे ऐसा बता रहा था। ये पत्रकार रहा है मनीष जी, ये 20-25 साल पत्रकार रहा है कि इसने क्या किया है। ये इसका एक कुकर्म में बता रहा है कि 22 तारीख को समाचार माध्यमों में समाचार था, फोटो सहित वीडियो सहित भारतीय दूतावास जो दक्षिण अफ्रीका में, विदेश मंत्रालय ने उसकी प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया 22 तारीख की सवेरे। आपने मनीष जी अगर दिखा देते कि वो जो 22 तारीख को सवेरे 6 बजे वो जारी हुआ है समाचार भी और विज्ञप्ति भी, तो इसको 48 घंटे तक ये का घास छीला था, या ये केवल धंधा करता है मोदी विरोध का, ये आता बड़ा शालीन बनके, बड़ा भाषा का वकील बनके, लेकिन ये कई हर हर कार्यक्रम में जब भी इसको आप देखेंगे ये करेगा। और सबसे खास बात उसमें सफाई भी दे रहा है कि ऐसा आ रहा बाद में, कर ऐसा हुआ। मनीष जी बार फिर से इसका वीडियो सुनवा दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरे मुझे तो खैराती लगता को है सर जरा। इन लोगों को हर बर्फ की जगह अगर सिल्ली हम पर लिटाया राजनीति ले जाना चाहिए। आएंगे, अभी अब दक्षिण अफ्रीका की बात आपने की, शुरू में आपकी रिपोर्ट में आया, वहां पर कुछ और भी हुआ है, एक खबर और भी आई थी, तो हम उसकी चर्चा करेंगे क्या? मैं नहीं चाहता उसकी चर्चा करना, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री का असम्मान हुआ है वहां, अगर वो खबर सही है तो।
तो मैं उससे बिल्कुल, मुझे दुख है उस बात का, उस घटना का, लेकिन वो हुआ है। तो ये कह रहा ऐसा वो है कि हुआ अभी है कोई भी जब गठबंधन बनता है तो इसे गठबंधन ये की चक्कर, रामकृपाल जी ने इसके जूते नहीं मारे क्या ऐसे वहां पे सामने भी? अरे वो तो एक अलग बहस थी, लेकिन वो बात गठबंधन की बहस हो रही थी, लेकिन इसने प्रधानमंत्री के अपमान की बात जबरदस्ती ठेल दी। ये समझिए कि अच्छा अच्छा ये किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ जहर और झूठ का जहर। ये झूठ का दुकानदार, झूठ का ठेकेदार है ये आदमी। और ये इस आदमी को न्यूज चैनल बुला के रोज शाम को 5 बजे 7 बजे तक बुला के बैठाता कि ये बड़ा एक्सपर्ट है समाचारों का, ये बड़ा एक्सपर्ट है राजनीति का, बड़ा बड़ा एक्सपर्ट है भारत देश का। और ये किस तरह से 48 घंटे बाद झूठ फैला रहा था ये सामने, तो ये झूठ का सौदागर है ये आदमी। इसको शर्म आनी चाहिए। और न्यूज वो जो न्यूज चैनल इसको बुलाते हैं रिपब्लिकन चैनल, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक झूठ की दुकान अपने न्यूज चैनल पे वो रोज शाम को लगवाते हैं। ये है इस आदमी की सर, मैं असलियत। ये व्यूअर्स को बड़ा बता दूं कि सोनी के देवर के चैनल पे ये आज तक जो है उस चैनल पे एक तरह से चैनल हेड एक समय में था, ये वक्त में, उसके बाद बहुत बाद में क्लियर हुआ है। और आजकल फिर हुँ। उसी एजेंडे में है कि बस यदि बुरे वक्त में हम चाकरी करेंगे तो हमारा खैरात ही फिर वापस आएगा। बहुत घृणित है, बहुत घृणित।